नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको बता रहा हूं ऐसे 5 लोग जिनके पास हमेशा धन की कमी रहती है, और ये क्यों रहती है इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ अपने इस आज के वीडियो के टॉपिक के माध्यम से। अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो इन गलतियों को आप बिल्कुल भी मत करें। अगर आप पहले कर चुके हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा होता है, तो अभी के लिए फ़िलहाल मत करें। चलिए अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और एक एक पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि जो व्यक्ति अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखता है उसके पास कभी भी धन नहीं टिकता है। साफ सफाई जहाँ पर होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास करती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास कर जाती हैं। लक्ष्मी की बहन जो है अलक्ष्मी, वो गंदगी वाली जगहों में रहती है। जहाँ पर भी गंदगी होती है वहाँ पर अलक्ष्मी विराजमान हो जाती है, ऐसे में वहाँ पर दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आपको चाहिए कि अपने घर की डेली साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा खुद के हाथ से करें, और स्त्रियों को चाहिए कि अपने घर में हमेशा अपने हाथ से ही झाड़ू पोछा करें। दूसरा पॉइंट है जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, मैले कुचेले गंदे कपड़े पहनने वाले लोग जो स्वच्छ नहीं रहते हैं, साफ नहीं रहते हैं, देर तक जगते हैं, देर तक सोते हैं, सूर्य सर पे चढ़ जाता है, मम्मी पापा बहुत चिल्लाते हैं तब भी नहीं उठते हैं, इन लोगों का कोई गोल नहीं होता है, लाइफ का कोई एम नहीं होता है। ऐसे लोग हमेशा लक्ष्मी से दूर रहते हैं और भटक जाते हैं। इन लोगों से हमेशा धन की देवी लक्ष्मी दूर रहती है, इन्हें हमेशा धन की कमी होती है। जो व्यक्ति पूरे दिन तक सोता रहता है, आलसी है, उसके पास धन की कमी रहती है। देखिए, आलस कहते हैं ना चिंता चिता के समान है, उसी प्रकार आलस भी जो होता है ना वो भी एक प्रकार से आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन। क्योंकि जब आप को कर्म करना चाहिए, जब आपको एक्शन करना चाहिए, उस समय आप सो रहे हैं। और जो इंसान काम को टालता है, चलो आज नहीं मैं कल देख लूँगा, एक काम करता हूँ मैं परसों कर दूँगा, यानी आप उस चीज़ को, उस काम को आप टाल रहे हैं। अगर आप टाला मटोली करते हैं तो भी आपका शुक्र खराब हो जाता है, आपका चंद्रमा खराब हो जाता है। ऐसे इंसान से माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है, धन की कमी रहती है। चौथा पॉइंट, जो लोग ज़्यादा भोजन करते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी दूर चली जाती हैं, यानी जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी दूर चली जाती है। खाने को उतना ही खाना चाहिए जितना आप खा पाएं। राक्षसों जैसा जीवन आपका नहीं है, ना ही आप राक्षस हैं, आप मनुष्य गण में पैदा हुए हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा युग चल रहा है, लेकिन आपके संस्कार कहाँ पे हैं ये निर्भर करता है। तो आप राक्षसों जैसा नहीं, जितना आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से ही आप मंगवाइए, खाइए। पांचवा पॉइंट, जो लोग अनावश्यक चीज़ों के लिए धन खर्च करते हैं उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अनावश्यक चीज़ें, यानी अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उस चीज़ को मत लें। मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ कि एक मैं हमेशा देखता हूँ, हर जगह एक वर्ड आता है कि ये इंसान अपने पैसों का दिखावा बहुत कर रहा है, लगता है इसकी दौलत नई नई है। तो ये बिल्कुल सच बात है। आप का काम अगर
मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक से चल जा रहा है तो आपको फिलहाल कुछ समय के लिए कार नहीं लेनी चाहिए, यही समझदारी है। तो जो इंसान के पास पैसा आता है भगवान एकदम से देते हैं, और वो अपनी स्किल्स का प्रयोग ना करके उस पैसे को सोने में, पिक्चर में, पराई स्त्रियों में, अल्कोहल में, मदराओं में खर्च करता है, आज नहीं तो कल उसका ये धन जो है वो छीन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो समय होता है वो निकल जाता है, लौट के नहीं आता। फिर ऐसे इंसान के पास केवल एक चीज़ रह जाती है, वो होता है पछतावा। तो कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ये मेरे लिए आवश्यक है, तो दो दिन रुक जाइए। अब तीसरे दिन भी अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तो इस पे मतलब मुहर लग चुकी है, फिर आप इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर ले लें, फिर आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थे आज के 5 पॉइंट। जो लोग ये गलतियां करते हैं उनके पास धन की कमी नहीं रहती है। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।